मुंबई के वर्सोवा पीवीआर में फिल्म हमने तुमसे प्यार कितना की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस स्क्रीनिंग को अटेंड करने टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत से सितारे नजर आए। उन्होंने कर्णवीर बोरा की फिल्म के बारे में क्या कुछ और कहा, आओ आपको भी सुनाते हैं। बहुत नर्वस है। नर्वस तो बिल्कुल ये नर्वस ये है, हम बिल्कुल नर्वस नहीं है सच में। हम बस देखिए बहुत जरूरी चीज़ होती है। अभी मैंने मेरी सिस्टर से बात की, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तूने एक चीज़ स्टार्ट की और उसे ख़त्म कर दी है और वो रिलीज़ हो गई है सब जगह, तो हमें तुमसे दिखाई दे रहा है। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए, ललित के लिए, मेरे डैड के लिए, मेरे लिए, टीजे के लिए, दैट वी स्टार्टेड समथिंग व्हाट वी लव्ड एंड वी हैव फिनिश्ड इट एंड इट हैज सीन द लाइट ऑफ द डे। नाइस, सेम। क्योंकि यही है तो नहीं, कबूले में अच्छा लेवल दिया था तो उस लेवल को थोड़ा सा एक ट्रांजिशन दिया है। इश्कबाज के पहले इन्होंने ये फिल्म स्टार्ट की थी। करेक्ट। हाँ, और जो रोमांस इन्होंने इस फिल्म में करवाया है, दिन में इश्कबाज शूट करता था और रात को ये फिल्म शूट करता है। तो अभी इसका नया एंगल है रोमांस का इस फिल्म के अंदर, अभी देखिएगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहा, बहुत सुपर था। मैं क्या कहूँ यार, ये एक तो एक्टर के बतौर आप सेट पे जाते हो एक्ट करके, थोड़े अपने टेंटर्स दिखा के चले जाते हो, ठीक है। इस फिल्म में एक्चुअली हाँ, केवी सही आदमी है बताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ये फिल्म में हमने हमारा खून पसीना पैसा सब कुछ लगाया हुआ है एंड हमें, बिकॉज हम बड़ी बड़ी फिल्मों के अगेंस्ट आ रहे, तो हमें भी एक ऐसा एक मुकाम, एक ऐसी स्टैंडिंग हमें करनी थी कि लोग ऐसे ना बोले कि अरे ये आए और ये चले गए। नहीं, वैसी बड़ी फिल्मों के साथ ये फिल्म भी हो और दोनों के बारे में बात करें, हमें ये एक हमारा यही बेसिकली गोल था एंड विद गॉड्स ग्रेस वी हैव अचीव दैट। मैन भाई सोए नहीं हम लोग रातों से, मैं बताता हूँ। तो मतलब केवी शॉट करता था और मुझे हमेशा डर लगता था, पता नहीं क्या होगा कि परफॉर्मेंस ना भूल जाए, डायलॉग ना भूल जाए। बीच में जाके मेकअप मैन आया कि नहीं आया, चेक करता था वैनिटी आई कि नहीं, यूनिट का खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, एयरपोर्ट पे गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची, ड्राइवर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अच्छा रात के लिए सब लोग का खाने का इंतजाम हो गया कि नहीं हो गया। तो बीइंग एन एक्टर साथ साथ ये जो प्रोडक्शन जो केवी ने किया है, दैट वाज आई थिंक टू टफ एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। आई थिंक एवरी पार्ट ऑफ इट, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कैंपेनिंग मार्केटिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस और वेरी वैल्यूबल एक्सपीरियंस, जो हमें आगे बहुत काम आएगा यार, अभी बहुत आ गया। थैंक यू सो मच सोनू भाजी, रियली रियली अप्रिशिएट। इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे दोस्त यार इनकरेजमेंट देने के लिए आते हैं, एंड सोनू भाजी वन ऑफ देम। एक फोन कॉल, सीरियसली वन फोन कॉल, आई एम रियली हैप्पी। इन फैक्ट आई एम सो हैप्पी कि आई हैव सीन हिज ग्रोथ एज एन एक्टर, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, एंड ऑल द पीपल हु कम, यू नो, हु आर नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड हु हैव मेड रियली बिग, एंड आई थिंक योर नेम टॉप्स द लिस्ट मैन, एंड ऑल द बेस्ट। आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड It's I know it's a first step. I know, but miles to go. But the journey is on. It's a first step. Be gentle. Yeah, be gentle, bhai log. Yeah. Ah, bhai log, please. Ah, zyada ekdam kya bolte hain? Patthar hone ki zarurat nahi hai. Nahi, nahi. No, I think we're still on the side. No, it's I always believe that it's an effort that matters. Yeah, and I'm really impressed, and a big salute to you for being so courageous and in this industry in today's time. Making your dreams come true, it's a huge achievement. Yeah, so all the best to my brother, and I'm sure, you know, this film is going to rock, and he's going to make every one of us proud. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. देखिए बड़ा मुश्किल काम है, you know, as an actor जब आप जाते हैं तो आप अपना काम खत्म करते हैं और घर चले जाते हैं, but when you're a producer, when you're a creative guy, तो सब responsibilities आप पर होती हैं। जब शूटिंग खत्म होती है उसके बाद आपकी दूसरी जर्नी शुरू होती है एज ए प्रोड्यूसर, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो इट्स अ ह्यूज चैलेंज जब एक एक्टर प्रोड्यूसर बनता है और क्रिएटिवली अपने ड्रीम्स को सच होते देखता है। सो आई थिंक इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर, एज अ को-स्टार, एज मीडिया गाइज, टू एनकरेज, यू नो, अ पर्सन हु इज टेकन द फर्स्ट स्टेप, एंड यू नो, सो दैट दिस इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव, बट आई थिंक योर सपोर्ट सिस्टम विल मेक many many more new dreams currents, come true. Yeah, in the industry. Yeah, मेरे जैसे करण आएंगे, करण आएंगे, अर्जुन भी आएंगे। जब प्रोड्यूस करते हैं, we learn how to respect a producer, how much you have to go through, कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है। But basically, we've not been the type to ever trouble a producer, and I think we got some of those good currents back. It's been a
terrific journey, but not easy. Not easy. But really, Sonu Paji, I think we're all on one boat. As an actor, you also now produced, you've gone to production. Yeah. And so, really, it's not easy. You know, but I'm very happy. I think this day is very, very important. When one day you see the dream, and now see it's a day when you actually see that dream coming true. So my wishes all from the core of my heart. My brother. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. अरे सोनू पाजी बोल देना 200 रुपए बजट में से ये पिक्चर के लिए ले रहे हैं। I think we all really expect a lot of good times ahead. You know, I think India is really doing well in many fields. So we all hope that you know budget should be, especially for the film industry, it should you know be very supportive. And you know the way the entertainment industry has helped you know the country reach various parts of the world, so it's very important to support and so that industry can flourish. Yeah. No, I think film ki baat honi chahiye yaar. Hamare bhai ki picture hai yaar. Yaar, hamare hum uske kal baat karenge uske bare mein. Main khud tweet karunga. भाई हमें मिन्नतें करनी पड़ी कि सदी जी आइए, लेकिन उन्हें एक फोन कॉल में बोला मैं आऊंगा तो ब्लेस करने के लिए. इट इज ऑलवेज यू नो गुड थिंग एंड आई ऑलवेज फील फॉर यंगस्टर्स यू नो दैट पर्सन हु इज मेकिंग हिज डेब्यू ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑन यू नो टेलीविजन दैट व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर ही इज व्हाट काइंड ऑफ फैमिली ही बिलोंग्स टू देयर फैमिली की बात करें तो पापा आ गए. अरे देखो मंदिर जी भी आ गए. हाउ आर यू क्या चल रहा है. So we know the मतलब बोरा फैमिली भी नो दैट दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिलीज फिल्म इंडस्ट्रीज हैज यू नो दे हैव बीन डूइंग मूवी बिजनेस सिंस हाउ लॉन्ग ईयर्स यू नो. सो उनका ग्रैंड सन मतलब समझो कि एक बेटा ऐसा जिसने टेलीविजन पर पूरा धमाल मचा रखा है और ऐसे ऐसे रोल्स किए हैं और अब फिल्म में पहली बार he is coming you know and I have seen the trailer and I think he has got a personality, he has got something inside that he is doing something very unusual. Ek aisa koi romantic role kar raha hai but with a passion and with a grit you know. There is a dark character, it looks like a dark character but he is so comfortable in doing that and suits his personality. So I wish him all the luck that this film does have. The kind of publicity the picture is having, he's very good. He is known by people. He's not a novice. He's not a unknown person. He public knows him, you know, because of his television experience, the kind of roles he has done on television. So I'm very, very sure that this film is going to make a mark for him, you know, and his performance and the film will do very well because it looks like a very dramatic film, shot very well, you know, and music is very good. So, my dear, welcome to movies. गोरा जी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि ऐसा अच्छा बेटा, इतना अच्छा एक्टर यू नो. और जो मतलब हम तो बोरा फैमिलीज को हम तो जब फिल्में देखा करते थे ना जो शुरू में, हम तो तब से जानते हैं मतलब उसके बाद फेमस में बहुत मिलते थे हम लोग बोनी कपूर के. नहीं रियली आई थिंक मेरा सौभाग्य है कि सतीश जी जैसे इतने दिग्गज कलाकार ही सेइंग सच थिंग्स, सच नाइस थिंग्स अबाउट मी. आई एम वेरी हम्बल्ड एंड वेरी गुड डायरेक्टर एक्टर ह्यूमन बीइंग. या मोर इंपोर्टेंटली ह्यूमन बीइंग, मोर इंपोर्टेंटली सतीश जी यू नो व्हाट, एक बात पे ही यू जस्ट सेड यस आई एम कमिंग टू ब्लेस यू, फॉर मी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. नो नो माय फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली कोई कभी ना कोई कोने जरिया बन जाता है. मेरा बहुत डियर फ्रेंड है मेरा लाइक ए ब्रदर शांतनु धर. You know, Shantanu told me that you know Karan wants to speak to you, and he spoke to me. I said, "No, brother, better I'm pakka aa raha. There is no issue that I will not come. You know, I will come to." But Sadhi ji, बहुत जल्दी ना. और today, आज मेरे बारे में नहीं, आज इसका दिन है. आज the day belongs to him. The day belongs to his father, his family, and the film. You know, so because it new you know career leaf, you can say that. But very soon I want to be directed by but you. I want to thank my friend Shantanu Dhar, who told me that Karan wants to contact. Look, he has come, he's here, the handsome man. So my भैया आज मैंने कहा ना, आज तो करण का दिन है यार हमारा, आज तो हमें तुमसे प्यार कितना का दिन है. ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हर यू नो, बहुत जबरदस्त
और वो जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, प्रकाश जो है वो बहुत दिग्गज डायरेक्टर के बेटे हैं के राघविंदर राव के, और जो उनकी वाइफ हैं जाना कनिका ढिल्लन, शी इज़ ए ग्रेट राइटर, सो आई हैड ए ग्रेट टाइम, शैलेश प्रोड्यूसर है, सो इट वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल विद मी एंड दैट वॉज थिंग। बट मैंने कहा ना कि आज दिन जो है हमें तुमसे प्यार कितना, ठीक है ना, कहाँ से वर्ड भैया, ब्लेस यू, ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगता है जब टीवी फ्रेटर्निटी से व्हेन यू नो पीपल आर स्टेपिंग इन बॉलीवुड, आई गेस इट्स वेरी गुड फॉर अस एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई नो केवी, सो बेसिकली केवी और माय नेबर्स थे, सो दैट्स हाउ आई नो केवी एंड ही इज़ अ वेरी 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 डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ललित सर हैज़ डायरेक्टेड दिस, सो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, इश्कबाज के डायरेक्टर थे वो एंड आई नो हिम सिंस ईयर्स, सो बहुत ही अच्छा लगा एंड स्पेशली द टाइटल हमें तुमसे प्यार कितना, वो सॉन्ग कितना फेमस है, एवरीबडी नोज दिस, सो या आई एम श्योर द मूवी विल बी लाइक, बहुत ही अच्छी बात है आई गेस, इट्स वेरी गुड दैट टी वी इज़ ग्रोइंग, आजकल मुझे लगता है कि टी वी वालों की ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। Hey, the TV, I started my career with Lalit sir and he taught me how to face the camera, so I'm here to support, wish them all the best and I'm sure it's going to be a great film and TV se film ka ek journey hai unka, so we all as the co-actors, as friends, we are here to support them. Of course, we all are excited. That's why here we are here to support them, and it's a full power movie. And Karan is known for his powerful performance. So I'm here to watch ki film mein kaisa performance aata hai. Because 3 hours ki film and 3 years ka show, bahut difference hota hai wo acting medium mein. So let's see how it's come up. I'm also going to watch it for the first time. Yeah, I met all the girls last night because it was Mansi's music album debut, and today we all are meeting because it's Lalit sir's movie debut. So yeah, it's a great thing. Yeah, all our friends are doing well, so we are here to wish them luck and support them, and I wish everybody all the best. Trailer बहुत अच्छा लगा and poster भी बहुत अच्छा लगा, बहुत we are very intrigued. सस्पेंस है, थ्रिलर है, कुछ तो थ्रिलर है, सिर्फ समथिंग इन द मूवी एंड मैं वेटिंग एक्चुअली टू सी कि एंड में होगा क्या, क्लाइमैक्स क्या होगा, क्योंकि ट्रेलर देख के कहीं पे थोड़ा बहुत गेस तो हो जाता है, देयर इज रोमांस, देयर इज ड्रामा, देयर इज एक्शन, बट एक्चुअली मिस्ट्री क्या है वो देखने में बहुत इंटरेस्ट है। आई थिंक आजकल धीरे धीरे स्टोरी लाइन चेंज हो रही है, दे आर ट्राइंग न्यू सब्जेक्ट, समथिंग और द अदर, दे हैव कुछ नया लग रहा है, पुट इन द मूवी सो दैट मूवी ही डिफरेंट लगे। हाँ हाँ, सो ऐसे ही कुछ इस मूवी में भी है, शायद हो सकता है, इज इट अ मर्डर, आई थिंक कुछ तो हो सकता है, सस्पेंस थ्रिलर, थ्रिलर विदाउट अ मर्डर तो नहीं होता है, तो देयर कैन बी अ मर्डर ऑल्सो और देयर कैन बी समथिंग एल्स, आई एम जस्ट गेसिंग, सो ऐसा कुछ तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है ही। वेल लकीली एल्बम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इन अ डे वी हैव क्रॉस्ड 100K, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि टचवुड माई फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ऑल माई फ्रेंड्स केम, तो कल की रात एक्चुअली रियली नाइस, सो प्लीज वॉच, तो कल की रात भी हैपनिंग थी और हम आज भी सर का, बेसिकली वी आर हियर फॉर ललित सर एंड केवी, ललित सर वॉज आर इश्कबाज डायरेक्टर एंड वी आर हियर टू सपोर्ट एंड वॉच द मूवी, आई होप हो आफ्टर द मूवी, कल एक रियूनियन था थैंक्स टू मानसी, आज सब मिल रहे हैं, कल सब गर्ल्स मिले थे, तो अच्छा है, सबको मिलके भी अच्छा लग रहा है, साथ में मूवी भी देखेंगे तो और मजा आएगा। या आई होप हो कुछ मूवी के बाद प्लान, या कुछ भी आप से समथिंग, किसी ने इतनी सुंदर शिपकली देखी है कभी, सो शी इज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स, वही तो वो दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली, हाँ वही वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसे स्कैरी लग सकती हूँ, तो मेरा स्कैरी अवतार दिखा रहे हैं दिव्य दृष्टि में, स्कैरी नहीं लग रही तो अच्छी लग रही है बहुत नहीं, बट दैट इज़ देयर मोटिव कि वो दिखाना, वो चाहते हैं कि लोग डरे, मतलब एज अ कैरेक्टर लावण्या से लोग डरे, सो दैट इज़ व्हाई दे हैव मेड मी अ शेप शिफ्टर लिजर्ड, सो विच इज़ न्यू फॉर मी ऑल्सो, मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ रोल कर रही हूँ, सो डेफिनेटली इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, बट देन एवरी डे आई फेस
पहली बार कुछ क्रोमा का शूट करते हैं ना, क्रोमा का और शेप शिफ्टर, यू नो आधा कुछ और पहना होता है और आधे नीचे कपड़े कुछ और पहने होते हैं. सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बट आई एम लविंग इट. अब तो शोज ही ऐसे बनते हैं आजकल, नागिन और कौन से हैं, नागिन, नजर, दिव्य दृष्टि में कितना आपको पता नहीं है. हम लोग एक एक छोटे छोटे शॉट के लिए कभी कभी 4-5 घंटे स्ट्रेच हो जाता है, बिकॉज वो इतना टेक्निकल शॉट होता है बिकॉज ऑफ फ्लाइंग और समथिंग एल्स. सो बहुत टाइम लगता है ऐसे शोज़ बनाने में. एंड आई एंड थैंक यू टू ऑल द दिव्य दृष्टि व्यूअर्स कि आप सबको अच्छा लग रहा है जो भी हम सीन्स बना रहे हैं, सीन्स कर रहे हैं. एंड थैंक यू फॉर लविंग दिव्य दृष्टि. हम पेशेंट्स हो गए डॉक्टर ईशानी को देख के, तो वो अभी आके हमारा ट्रीटमेंट करेंगी तब हम बताएंगे कैसा लग रहा है. संजीवनी अभी देखो ना, अभी तक उससे पार्टी नहीं दी है, बच रही है अभी तक पार्टी से. अभी भी वो कहीं उसे टाइम ही नहीं मिला शूट से, अभी उसका अभी से इतना एक्टिव हो गया शूट कि शी इज नॉट एबल टू यू नो गेट टाइम. सो अभी मिलेगी जैसे ही तो हम उसको पार्टी के लिए पकड़ लेंगे. या मैं यहाँ पर केवी के लिए आई हूँ, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड. मैंने मूवी का ट्रेलर्स वगैरह ज़्यादा देखे नहीं है, पोस्ट किया है सॉरी, बट ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू सी दिस फिल्म कैसी है. फ्रेंड है मूवी में तो जस्ट कम टू सपोर्ट हिम एंड फिंगर्स क्रॉस. I hope film should do good. Trailer was nice, not bad. It was promising. Ab dekhte hain movie kaisi hai. I'm sure achhi hogi. Yeah, how do you know that? You know so much about me. Yeah, actually, main mere shoot se aa rahi hu. Amarzo ek choti si brand hai, London brand. Usko I brought in India and उसका फोटो शूट होते रहता है, तो आज एक और फोटो शूट था उसका एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट. यूजुअली आई एम वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, आई एम डायरेक्टिंग द एड्स, आई एम डायरेक्टिंग द गैग्स ऑफ अमार्जो, बट टुडे आई वाज द मॉडल आल्सो. सो इट वाज गुड. सुबह 11 बजे की शिफ्ट थी हमारी एंड अभी पैकअप हुआ, तो वहाँ से मैं इसी तरह से भागते हुए यहाँ पर आई हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस दिस एंड वेरी टायर्ड. या 20th September, Prastham is coming out. So, audience तभी मुझे वापस देखेगी बिग स्क्रीन पे एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली बहुत सारे और वेब सीरीज, फिल्म, टीवी, बहुत जगह. थैंक यू सो आज ट्रेलर मैंने आप लोगों ने जब देखा उससे काफ़ी पहले देख लिया था. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि फिल्म कब रिलीज होगी एंड टुडे इज द डे. आई विश ऑल द लक टू द होल टीम एंड मैं स्पेशली ऐसा एक शो कर रही हूँ जो रिलेटेड है इस फिल्म से, मतलब इट इज़ ऑन द डार्कर साइड. सो आई वुड लव टू वॉच दिस फिल्म और आप सभी को भी बहुत मज़ा आएगा. फॉर पीपल हु लव द थ्रिल, पहले आप चल रहे हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सुरभि, मतलब ऑफकोर्स ये भी मुझे पता था कि होने वाला है एंड आई कॉन्ट वेट टू सी हर शो बिकॉज मैं संजीवनी की फ़ैन रह चुकी हूँ, ग्रेस अनाटोमी की फ़ैन रह चुकी हूँ. सो एंड आई एम श्योर शी विल डू प्योर जस्टिस टू द रोल. वेल दैट्स अ सरप्राइज एक्चुअली. मैं और जैन साथ में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं एंड वही मैं कह सकती हूँ किसके साथ कर रहे हैं वो मैं नहीं बताऊँगी. इट्स एक्चुअली ग्रेट. दिस टाइम नजबली हैज़ अ लॉट ऑफ सरप्राइजेज, सलमान खान इज़ वन ऑफ इट. तो या नहीं भाई, कुछ नहीं दिखने वाला, अभी चुप रहो तुम, मिटवाओगे सबके सामने. देखो अभी फिलहाल तो आई हैव अचीव द रिवेंज जिसकी वजह से मैं घर में थी, सो आई हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी. तो भाभी देवर वाला कोई इक्वेशन हमारा था नहीं, जब मेरा पति नहीं था तो और कोई रिश्ता तो मायने ही नहीं रखता मेरे लिए. सो या कभी अगर फ्यूचर में वैसा हो तो आई एम श्योर ऑडियंसेस विल लाइक इट, बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप लोग हो. ओ माय गॉड, आई कांट यार, श्रेया घोषाल सॉन्ग एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. तो
तो मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज फील होता है, बट आई विल सिंग दिस फॉर ललित सर एंड द टीम फॉर हमें तुमसे प्यार कितना. हाँ जी, ये मूवी को लेके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. ये काफ़ी टाइम पहले इसने एक आइडिया बताया था करणवीर बोरा ने, और इनका शूट चला पिछले साल, और मैं तब से वेट कर रहा हूँ ये कब आएगा, हमें इंतज़ार कितना ये हम नहीं जानते वाला सीन हो गया था. और फाइनली द फिल्म इज़ कमिंग आउट, आई एम वेरी हैप्पी, वी बोथ वेरी हैप्पी. और ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम. यहाँ हमारे पेरेंट्स अक्सर करणवीर को हमारा उनका तीसरा बेटा मानते हैं, और इस हिसाब से तो हम भी इस फिल्म के हीरो हुए. तो हम बहुत नर्वस फील कर रहे हैं. आई मीन लाइक थैंक आवर पेरेंट्स, बहुत कोई जरा नहीं है, मजाक कर रहा हूं. बहुत बढ़िया स्टोरी है, और करणवीर, एंड आई थिंक करणवीर हैज रिटर्न टू हिज इमेज, टू हिज स्ट्रेंथ, यू नो, बैड बॉय, बैड लवर बॉय. हाँ जी, देखिए एज अ प्रोड्यूसर खुद की आर्ट को एक प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने. एज अ प्रोड्यूसर हमेशा ही यू हैव टू बैक द प्रोजेक्ट्स दैट यू बिलीव इन. जिस प्रोजेक्ट को आप बिलीव करते हैं, आप उसको बैक करेंगे तो आप प्रोड्यूसर कहलाते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट, और ये रोल जो है ये करणवीर के लिए बना है, और इट्स अ परफेक्ट स्क्रिप्ट दैट वी ऑल बिलीव इन. सो ग्रेट. लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, अगर प्रोड्यूसर खुद स्टार हो और एक दिन सेट पे लेट आए तो खुद को कैसे डांटेगा वो, मैं ये सोचता हूँ. क्या किया करणवीर तूने, क्या बहुत सही है यार ट्रेलर, बहुत सही है. और एक स्टॉकर, ये आज के टाइम में ना ये स्टॉकिंग वगैरह इंटरनेट की वजह से काफ़ी आसान हो गया है, और इस सब्जेक्ट पे एक फिल्म बनना बहुत सही बात है. और करणवीर जैसा आर्टिस्ट जो इज़ बैड ही इज सो गुड, यू नो, मेरे को लग रहा है कि मुझे फिल्म देख के थोड़ा डर लगेगा. देखिए ज़ायरा वसीम को जो करना है वो करें, उनको आज़ादी है. मुझे बड़ी खुशी है कि वो जो करना चाहती है वो कर रही हैं. लेकिन अगर वो ये सोचती है कि बाकी लोग जो बॉलीवुड में हैं वो गलत है, तो वो गलत है. क्योंकि अगर उन्हें जो वो करना चाहती है उनसे कोई नहीं रोक रहा, तो दूसरों को जज भी उन्हें नहीं करना चाहिए. एवरीबडी शुड डू वॉट दे वॉन्ट टू डू यार. ज़ायरा वसीम अगर रिलीजन के रास्ते पे चलना चाहती है बहुत अच्छा है, अगर वो फिल्मों में रहना चाहती है बहुत अच्छा है. एक दुनिया को या दूसरी दुनिया को बुरा कहना बुरी बात है. मुझे, हमें कश्मीर के बारे में पता नहीं है, हम क्वालिफाइड नहीं है इसके बारे में कमेंट करने के लिए यहाँ पर. मैं इतना बोलूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम रेडिकलाइज होते हैं या मुस्लिम गर्ल्स रेडिकलाइज होती हैं, वो गलत है. रेडिकलाइजेशन हर मजहब में होता है और हर प्रांत में होता है. ठीक है, थैंक यू, डन, थैंक यू. मैं मूवी को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ. आई डोंट नो, लेट्स सी. अब सब कुछ जो होना था हो चुका है, प्रमोशन कर चुके हैं, शूटिंग हो चुकी है. नाउ लेट्स सी हाउ द पब्लिक टेक्स इट, फिंगर्स क्रॉस्ड. बस बहुत वही नर्वस हूँ, देखते हैं अभी पब्लिक कैसे लेती है, दैट्स द मेन थिंग. सो या बहुत अभी जो बहुत अच्छा लगा मुझे, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, खुद पेंटिंग की है उन्होंने, सो इट्स वेरी नाइस, आई एम फॉन्ड ऑफ दैट स्टफ, बट थैंक्स. लुक वाइज डिफरेंट बहुत है. मैं ऑथर हूँ, मैं एक्चुअल रियल लाइफ में ऑथर नहीं हूँ, बट बहुत ही सीरियस क्लासी टाइप का कैरेक्टर है जो टीचर है एक्चुअली, और जो ध्रुव है वो उनकी स्टूडेंट है. तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट एज यू वॉच द मूवी यू रियलाइज इट. आई डोंट नो, आई होप एवरीबडी डज वेल. तीन मूवीज रिलीज हो रही है, मलाल, वन डे, दिस. बहुत लोग है, बहुत पॉपुलेशन है, सारी मूवीज जाके देखो. तीन दिन है वीकेंड का, गो वॉच एवरीथिंग. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ही इज वेरी नाइस टू वर्क विद, वेरी कोऑपरेटिव एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर, एंड आई हैव इट्स, ही इज प्रैक्टिकली बिकम फैमिली, सो इट्स बिन ग्रेट, इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी. कॉम्प्लीमेंट इस फिल्म के बारे में, अभी तो देखने वाले सब होपफुली ट्रेलर के और सॉन्ग्स के बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, एवरीबडी इज लव्ड इट एंड आई एम ग्लैड. गाने बहुत ही अच्छे हैं, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, जुबिन नौटियाल, टोनी कक्कर, नेहा कक्कर, सब ने गाने गाए हमारे फिल्म में, एंड आई थिंक एवरीबडी इज लव्ड द सॉन्ग्स, सो आई एम ग्रेट. थैंक यू.
थैंक यू सो मच. मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ. पहला एल्बम था मेरा और दीपक का दोनों का टुगेदर, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सबका, और आई एम सो थैंकफुल. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. जो मैंने ट्रेलर देखा है हमने, वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पिक्चर. इवन दो मैंने सॉन्ग्स जितने भी सॉन्ग है, लाइक हमें तुमसे प्यार कितना सच अमेजिंग सॉन्ग, आवाज़ श्रेया घोषाल की अमेजिंग, के वी आई एम श्योर ही किल्ड इट, तो आई एम सो सो एक्साइटेड टू वॉच द मूवी. अभी जाके पता चलेगा. और ट्रेलर धमाकेदार लगा, बहुत ज़्यादा यू नो थ्रिलर सस्पेंस सब दिख रहा है इसके अंदर, और आई एम सो एक्साइटेड टू सी. इट्स लुकिंग वेरी डिफरेंट रेस्ट ऑफ द मूवी से, क्योंकि इस पर जो 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 केवी प्ले कर रहे हैं रोल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से मुझे बहुत लग रहा है कि क्या आएगा, कौन सा स्टोरी है. सो लुकिंग फॉर एंड प्रिया बनर्जी एंड केवी एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. सो गुड मैन, वेरी नाइस, अमेजिंग. सॉरी, एज इफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, एक्चुअली ऑफर आया है एक दो, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा हमें, तो कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली साथ में आएंगे. कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, तो वी विल वर्क फॉर इट. आशा एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी, वो उनकी अपनी सबकी अपनी लाइफ जीने का एक तरीका होता है, एक अपना स्टाइल होता है, उनको उनकी सोच अलग होती है. सो उनकी सोच के हिसाब से अगर उनको लगा, इनफैक्ट जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो उनको वो लगा था कि अच्छा है उनके लिए, अब इनको उनको एक चॉइस लिया है उन्होंने कि उनको नहीं करना है. सो इट्स कम्प्लीटली हर चॉइस, आना भी जाना भी उनका पर्सनल चॉइस है, तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है. जैसे हमारी पर्सनल चॉइस थी, हम किसी और इंडस्ट्री में थे, अब हम इधर आए, तो इट्स कम्प्लीटली यू नो इंडिविजुअल चॉइस. और रही बात इस्लाम को फॉलो करना, तो हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, और साथ में अपना करियर भी परस्यू कर रहे हैं. इट्स वेरी नाइस. शो में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया है सत्य भामा का. इट्स अ वेरी डिफरेंट, यू नो नॉट अ वेरी सास बहु सीरियल, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शो के लिए. तो यस, आप लोगों को देख के आई एम श्योर, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर योर न्यू शो. यू आर लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी एंड डेफिनेटली यू विल रॉक इट. थैंक यू सो मच. एक्चुअली साथ में काम कर चुके, किसी भी गर्ल का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है, पर उनका इंटेंशन वैसा नहीं था. और रही बात जसलीन की, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बहुत बोल रखा है अपशब्द. तो आई थिंक जसलीन के जो दीपक ने किया वो चीज़, उसके लिए उसने माफ़ी मांगी. एंड आई मस्ट टेल, मैंने खुद दीपक से बोला था, बात हुई थी हमारी, तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे थे. दीपक खुद सॉरी फील कर रहे थे. मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जसलीन ने बहुत ही अपशब्द निकाले थे जब मैं घर के अंदर थी और वो घर के बाहर थी, वो मेरे कैरेक्टर पे, मेरी फैमिली, मेरे फैंस, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ साइड. एंड सो पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बीइंग अ गर्ल अगर उनको ये चीज़ बुरी लगी कि एक लड़की होकर उनको ये चीज़ बोला गया, बट मैं भी एक लड़की हूँ, मैं घर के अंदर थी, बिग बॉस के घर के अंदर, खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती थी, और उन्हें काफ़ी वाहियात बातें बोली. तो आई रियली होप जसलीन पहले आप उससे माफ़ी मांगी और तब आप दूसरों से माफ़ी की उम्मीद करिए. बिग बॉस एक घर के अंदर होती है, पर वो इवेक्शन के बाद बाहर आ रही थी. शी इवेक्टेड, सो मैंने उनको तभी जाते वक्त एक हक दिया और प्यार से बाय बोला, कहा जो होता है वो घर के अंदर होता है, पर घर के आने के बाद इतना गंद निकालना, आई एम सो सॉरी जसलीन, आपको ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए. और आई थिंक अभी यू नो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, हम केवी की मूवी देखने आए, तो हम कुछ उसके बारे में बात करते हैं. और हाँ, रियली अब हमको भी बिग बॉस से आगे बढ़ना चाहिए, बहुत नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम, सो उसके बारे में सोचना बोलना चाहेंगे. जो बीत गया वो कल है. बिग बॉस खत्म हो चुका है, कुछ नया अभी बिग बॉस 13 आ रहा है, उनसे उसकी तैयारी करिए. बिग
कौन कैटरीना कैफ के साथ कौन अनूप जी सलमान खान के मैं सलमान खान के लिए गई जाना चाहूँगी होने के है शो के अंदर तो उसके उनके अलावा किसके साथ किसी हाँ ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट द वन एंड ओनली सलमान सर थैंक यू गुड लक टू केवी थैंक यू बहुत अच्छी होंगी बहुत हिट होने वाली थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच आई स्वेयर यू नो लास्ट टाइम आई फेल्ट लाइक दिस वाज जब मैंने दो बच्चे पैदा किए अब लास्ट दिन तक पहुंच जाते हैं और लाइक यू नो व्हाट नाउ आई वांट इट टू बी ओवर के बस अब निकल जाए सो या बहुत मेहनत थी लॉट ऑफ एफर्ट लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू नो जब हम ऐसे जब पिक्चर प्रोड्यूस करते तब पता चलता है कि हु आर द पीपल क्लोज टू यू हु बिलीव्स इन यू हु रियली स्टैंड्स बाय यू सो बहुत कुछ सीखने को मिला Really, it's been quite a journey. Very tough, very tough. Yeah, बहुत लड़ लड़ के मर मर के खींच खींच यू हैव टू आई थिंक मेयर केवी ने सभी चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या मूवी सिनेमा ओनर्स हॉल्स सब हमने खुद बात की इन्वाइटिंग गेस्ट हमने खुद सबको बुलाया वी डिड एवरीथिंग ourselves and that's what matters. You have to do it on by yourself. But you know, जब when you're a small production, हमारे इतने बड़े बड़े teams नहीं हैं कि आप लोग यो करें वो करेंगे हमारे लोग जो हैं like there's probably five of us जिनने सब कुछ किया but I think जितनी goodwill KV ने कमाई है इस 15-20 साल में it's all coming right now, you know, whatever good things हो KV ने बहुत सारे लोगों को हर चाहे एक सिंगर हो एक्टर हो म्यूजिक वीडियो हो किसी का कोई भी प्रोजेक्ट हो उन्होंने सपोर्ट किया सो So, जब उनको सपोर्ट चाहिए सब आ गए एंड इट्स रियली रियली हार्ड वार्मिंग बिकॉज आई थिंक ये इंडस्ट्री बहुत ही कम्पिटिटिव है आई थिंक कोई नहीं चाहता कोई और एक टैलेंटेड बंदा आ जाए बट इट्स सो नाइस टू सी द सपोर्ट आई एम सो टच्ड थैंक यू एवरीवन थैंक यू मुझे ट्रेलर इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि उसमें ऑब्वियसली केवी है और आई एम ऑल्सो वॉन्टिंग टू मीट द हीरोइन शी इज़ वेरी प्रिटी है लगेगी करण सबकी लगती है प्रोड्यूसर बनना आसान नहीं होता तो मज़ा आएगा आई होप दैट ही मेक्स मनी एंड मेक्स मोर फिल्म्स एंड मोर क्रिएटिव वर्क जो उसे एक्साइट करे लाइफ में बिकॉज दैट्स व्हाट वी ऑल लिव फॉर बहुत डिफिकल्ट होता है दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डू नॉट फेस द कैमरा इन स्टफ दैट आई प्रोड्यूस प्रोड्यूसर्स का बहुत डिफरेंट मार्जिन होता है बहुत डिफरेंट तरीके से काम करना होता है उनकी गाइडलाइंस बहुत सेपरेट होती है बट इफ़ यू आर योरसेल्फ ऑन द प्रोजेक्ट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अरे वो तो टेलीविजन कब से कर रहे हैं कब से टेलीविजन कर रहे हैं वो कब से बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं सो टेलीविजन का पार्ट होना केवल प्रोड्यूस होना ही नहीं होता है आप किसी भी माध्यम से जब उसके पार्ट होते हो तो यू आर पार्ट टेलीविजन इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे यार बहुत बहुत रिस्क इसलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग यू आर पुटिंग ऑल योर सर्विसेज ऑल्सो राइट देयर एंड योर टाइम एंड आई थिंक टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन एल्स ऑल्सो प्लस पुटिंग योर ओन मनी ऑन टू इट सो आई फील दैट बट अगेन अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं सुनाओगे तो कोई और क्यों सुनाएगा यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ इन व्हाट यू रियली बिलीव इन दैट हाँ तो हम सोच रहे हैं ऐसे क्या करेंगे ना फिल्म सिटी जाएंगे और पिज्ज़ाज को ना ऐसे उठा उठा के अंदर फेंक दिया करेंगे तो जिससे पहले कि कोई आकर ढूंढ भी पाया था तो लोग हाउस में खा लेंगे क्योंकि हमें बड़ा मन करता था ऐसे पिज्ज़ाज वीज़ाज आ जाए तो यार मैं तो जानता नहीं हूँ ना उनको पर्सनली तो वो उनका जो मन करेगा वो बोल सकते हैं हाँ मैं उनसे मिला नहीं हूँ पर्सनली तो अगर उनका मन करे वो किसी के साथ भी जा सकते हैं मुझे सुरभि के साथ जाना है पर वो सुरभि वहाँ खड़ी रहती है और मेरे पास आती नहीं है बिल्कुल भी देखो दैट्स शी इज़ राइट देयर मूवी है स्टार्ट एंड आई हैव टू गो एंड शी विल ईट माई हेड मुझे पता ही नहीं है मैं बहुत जसलीन ने केस किया दीपक ठाकुर पे क्यों जसलीन ने केस किया है दीपक ठाकुर पे नहीं मैं पता नहीं समझ में नहीं आ रहा जसलीन ने अपेरेंटली केस किया दीपक ठाकुर पे अरे यार जसलीन यार वो बिग बॉस पे हाँ तो पता था मैं अपने काम में बिजी हूँ मुझे पता नहीं था कि कुछ केस हुआ आई लव यू गाइस बाय भाई मूवी का पोस्टर ही ऐसा है कि रोमांटिक टाइटल है और थ्रिलर पिक्चर है तो कुछ अलग है और आजकल अलग ही चल रहा है भाई तो ऑडियंस पहले कन्फ्यूज़ होनी चाहिए फिर आगे देखना चाहिए थिएटर में कि हो क्या रहा है सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेटअप बिकॉज मनोज बोरा की लुक भी जो है शाहरुख खान वाली है और पिक्चर भी थ्रिलर डर के जैसी है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड वेरी एक्साइटेड बिकॉज समथिंग विच इज़ थ्रिलिंग इज ऑलवेज एक्साइट्स मी और ये शुरू से ही बहुत हम उसको एक्चुअली कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और कॉलेज से ये एकदम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट
बहुत ही फोकस्ड लड़का था एंड हमें वी ऑलवेज न्यू दैट जो भी करेगा कुछ कुछ अलग चीज़ निकल के आएगी क्योंकि इसका पैशन और बहुत बहुत ही क्रेजीनेस से करता है. सो हम एक टाइम थोड़े टाइम पहले मिले थे जब ये फिल्म की शुरुआत होने वाली थी टी सीरीज़ के ऑफिस में और हमें पता था कि अब ये घुस गया तो ये फिल्म ज़रूर बनाएगा. सो वी वेरी हैप्पी कि फिल्म आज की डेट में फिल्म बना तो बहुत लोग लिखते हैं, थिएटर तक पहुँचाना मुश्किल होता है, बन भी गई थिएटर में आ भी गई. सो वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ भाई. म्यूज़िक अगर अच्छा बनेगा तो सराहा जाएगा एंड हमारी बेस्ट विशेज हैं मीत ब्रदर्स एज म्यूजिशियंस कि सब इंडस्ट्री को अच्छा म्यूज़िक बनाना चाहिए और माई वी वी विल वॉन्ट कि भाई चार्ट्स में जाएगा ना. बहुत अच्छा म्यूज़िक है इस फिल्म का भी और बहुत अच्छा लग रहा है सबको. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी बिग हिट. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हो हमें तुमसे प्यार कितना. वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. तो किशोरदा की याद दिला दी तुमने. मूवी के बारे में अभी तो अभी देखी नहीं है, जैसे ही देखने जाऊंगा कुछ कहूंगा. बट जो पोस्टर है, जो ट्रेलर है, वो देख के काफी अच्छे लग रहे हैं. एंड सीम्स लाइक अ इंटेंस पैशनेट लव स्टोरी विद अ थ्रिलर ट्विस्ट. राइट. एंड ललित मोहन ललित सर ने डायरेक्ट किया मूवी एंड जो हमारा पहला शो था सुब्रीन मेघा वो भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था. एंड वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर हैं. तो उनकी फर्स्ट मूवी है एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. वेरी एक्साइटेड. एंड करण हैज बीन इन इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग. उनकी पहली लॉन्च है फिल्म है. राइट. एंड ललित सर की फिल्म है. सो वी एंड प्रिया. हाँ प्रिया प्रिया मेरी दोस्त है. हाँ प्रिया की सॉरी एक्टिंग तो सबके लिए एक्साइटेड है बिकॉज सारे ही अच्छे एक्टर्स हैं. समीर कोचर हैं, करणवीर है, प्रिया है. एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छी मूवी है. सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट. एंड बाकी सबको भी ये कहना चाहेंगे हमारे फ्रेंड्स की मूवी है, जाओ प्लीज़ देखो जाके. बहुत इनिशियल है उसके बारे में. अभी अभी तो शो डेवलप हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें. He's और a man of action. हाँ. तो वो शब्द नहीं बोलते, जब चीज हो जाती है तब उसके. तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है. अगर मैं कुछ भी शेयर करूँ सही बताऊँ मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता है. तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, फिर उसके बाद सारी बात करें. कलर्स के साथ इनको बैठे बैठे यहाँ पे अभी प्रीमियर में जानकारी मिल गई. आज अपनी बात नहीं करता हूँ, आज अपनी फिल्म की बात करेंगे. हमें तुमसे प्यार है कितना. वेल वेरी एक्साइटेड बिकॉज करमवीर दोस्त है और बहुत मेहनत की है उसने इस फिल्म पे. जब भी आई एम श्योर उसकी पहली है तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी. एंड एज फ्रेंड्स वी शुड ऑल सपोर्ट हिम. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट हिम. एंड मैं चाहता हूँ कि फिल्म अच्छा करे एंड यू नो वट एवर इट डज एट द बॉक्स ऑफिस इट रियली शुड डू वेल. फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर हिम. हैविंग सेड दैट आई रियली लव द सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म. बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, श्रेया घोषाल जी ने गाए हैं, सोनू निगम जी ने, लाइक यू नो एवरी वन इज़ बिन सपोर्टिंग द फिल्म ऑल्सो. और वो जो हमें तुमसे प्यार कितना जो बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसका जो रीमेक रीमिक्स वर्जन है जो इस फिल्म में है वो भी बहुत कमाल का है. एंड आई जस्ट आई एम वेटिंग टू सी द फिल्म एंड देन गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट. आई थिंक हर एक्टर फिल्म करना चाहता है बिकॉज द कैनवस इज़ वेरी बिग. और जो छोटे पर्दे पे जो दिखता है उसका जो और जो बड़े पर्दे पे दिखता है उसका जो मज़ा है वो अलग अलग है. आई थिंक इंक्लूडिंग मी वी ऑल वांट टू बी देयर ऑन द बिग स्क्रीन एंड गेट द राइट अपॉर्चुनिटी. सभी उसी में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं. एंड इट्स जस्ट अबाउट डूइंग द राइट फिल्म. आई थिंक दिस इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाई हिज फैमिली ओनली. सो ऑल द बेस्ट टू हिम. And it's not easy to make people come to the theaters and watch the film. So I just wish that this happens for this film, Hame Tumse Pyar Kitna. And you know, Karan's film career just goes on a roll. I think I'm an actor. Ye usually hum people from the media, from the fraternity, jo saalon se chalta aa raha hai. कि टी वी एक्टर फिल्म एक्टर ये वो जो डिफरेंशिएशन है आई थिंक वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए. आई थिंक एन एक्टर इज़ एन एक्टर. तभी तो टी वी एक्टर्स भी फिल्म्स कर रहे हैं तो वो तो एक्टिंग ही कर रहे हैं. बस यू नीड अ गुड डायरेक्टर एंड इफ यू आर डूइंग टी वी देन यू आर टर्म्ड एज अ टी वी एक्टर. बट आई थिंक यू ऑल शुड ऑल्सो स्टार्ट कॉलिंग दैम एक्टर्स एंड नॉट डिफरेंशिएट.
आई लाइक टू डू अ रोमांटिक कॉमेडी अगर इफ़ आई हैव टू डू अ फिल्म और रोमांटिक कॉमेडी में मज़ा आएगा मुझे लगता है हंसाने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है और रोमांस लोगों को पसंद भी आता है इट नेवर डाइज सो आई थिंक आई वुड लव टू डू दैट काइंड ऑफ अ फिल्म हैविंग सेड दैट एज एन एक्टर आई वांट टू ऑब्वियसली ट्राई डिफरेंट रोल्स सो जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी वैसे वैसे करते रहेंगे मुझे एज अ कॉमन मैन बजट से ज़्यादा आई एक्सपेक्ट कि रोड्स ठीक से बन जाए बस आई जस्ट वॉन्ट कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से बन जाए यू नो अभी जो बारिश हुई है उसमें इतने लोगों की जाने गई हैं एंड इट्स रियली सैड और अभी मलाड सबवे में दो लोगों की गाड़ी फंस गई और यू नो दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड द रोड्स वर सो बैड वो टीवी पे ही दिख रहा था कि कितना ख़राब है आई मीन बहुत आसानी से बन जाते हैं अच्छे रोड अगर एक्सप्रेस वे पे बन सकते हैं तो बॉम्बे में क्यों नहीं बन सकते कोई रीज़न नहीं है यार अभी जब रोज़ शूटिंग करते हो तो रोज़ ही प्रोडक्ट लगता है बालों में एंड टू अवॉइड द प्रोडक्ट आई वेयर अ कैप और बिकॉज स्टाइलिंग फिर नहीं करनी पड़ती आपको दैट्स द ओनली रीज़न ऑनेस्टली धूप तो निकली नहीं है तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम वेयरिंग अ कैप थैंक्स और वेरी आई एम एक्साइटेड फॉर माई फ्रेंड के वी he's come out with a film and every time a fellow friend of ours does a film it's a big achievement so I wish him and the team all the very best may it do very very well I think whatever said and done I'm going to see the film and then I'm going to give my review so you can ask me after that but it looks nice and I love the poster it's very well made ji hamesha jab koi film release hoti hai bahut excitement hoti hai so very excited as I said kuch time se ban rahi hai film aur behad maza aaya is unko shoot karne mein there's a wonderful crew that's put this film together director ki baat karunga lalit mohan sharma captain of the ship I think unki pehli film hai and he's also very nervous but it's a simple love story it's about all the various emotions music bahut acha hai and it's got romance love obsession and I think it's got something for everybody so looking forward to it trailer mujhe bada acha laga aur laga ki jo marketing team hai usne achhi सोच के साथ ही ट्रेलर तैयार किया है तो आई थिंक जो काम करना था फिल्म के लिए हो गया है आज रिलीज़ का दिन है तो फिर अब ये सोचना कि और क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था वो बातें अलग हैं एंड द फिल्म इज़ आउट देयर फॉर द वर्ल्ड टू सी तो मुझे लगता है कि कोई एडवाइस देने की किसी को ज़रूरत नहीं है बस लोगों को फिल्म देखना चाहिए ये बिल्कुल सही बात है फिल्म बनाना एक दूसरी चीज़ है और फिल्म को रिलीज़ करना एक और बात है तो आई थिंक इसका कोई समाधान बनना चाहिए शायद और सिनेमा हॉल्स बनने चाहिए देश के अंदर जहाँ पर हर किस्म की फिल्म को मौका मिले पर छोटी हो या बड़ी अगर फिल्म अच्छी है तो उसे लोग देखते हैं तो मेरा यही मानना है थैंक्स गाइस थैंक यू हाँ फिल्म की बात की फिल्म और कोई कुछ और बात नहीं मैं सर की फेवरेट स्टूडेंट हूँ ललित सर ने मुझे मेरे पहले शो में दूसरे शो में दोनों शो में डायरेक्ट किया है एंड आई नो दैट ही इज अ विजनरी वो विजनरी हैं और जो मूवी उन्होंने बनाई है और वो यू नो ही इज लाइक ही सो इनटू द फिल्म सिंस इयर्स द इंसेप्शन द एंटायर थिंग एंड टुडे इट्स ऑल कमिंग टुगेदर यस आर यू इमोशनल नर्वस प्लीज एंड वी नो द सॉन्ग्स आर अमेजिंग पहली बार उन्होंने मेरे से टाइटल ट्रैक जब शेयर किया था एंड इट बिकेम माई फेवरेट एक्चुअली वो टेलर आने से एक साल पहले मैंने उसको सुनाया था सेट पे और तब से एवरी मॉर्निंग शी टू गेट अप एंड शी टू लिसन दैट मैं अपने मलाड से पवाई से लेके मलाड के सेट तक यही गाना सुनती थी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म बिकॉज ऑफकोर्स ललित सर ऑफकोर्स के वी एंड आई एम ऑल्सो होपिंग टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स हू कम हियर एवरीबॉडी इज अराउंड माय गॉड लुक कम माय गॉड टू ऑफ माय बेस्टीज Now you both sit. मेरी तारीफों की बातें करो बैठ जाओ हमारे लिए सबसे बड़ा सितारा आज यही है और हमेशा यही है हाँ ये दोनों गाना गाना चाहेंगे इन्होंने मुझे फोन पे भी बोला था कि जब हम आएंगे तो गाना गाएंगे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना कोई मतलब किसी ने ताली नहीं किसी ने ताली नहीं बजाई थैंक यू अब चला जाए हाँ
आज कुछ नहीं, आई एम एक्साइटेड डॉक्टर ईशानी. कैसा लगा आप लोगों को लुक? आप लोग बताओ मुझे कैसा लगा आप लोगों को लुक, बिकॉज सच्ची ISH ANI डबल ए वाला नहीं है. मैंने सिद्धार्थ सर को भी बोला है, अपने प्रोड्यूसर को, अच्छे नंबर पे आता है. देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, नर्वसनेस. कुछ भी स्ट्रेस नहीं है, शी इज अ रॉक स्टार, शी इज ऑलवेज एंटरटेन्ड अस सो मच. हाउ नाइस. कोई स्ट्रेस कैसे हो सकता है, टेल मी. नो नो, आई एम अ लिटिल स्ट्रेस बिकॉज इतना बड़ा ब्रांड है, सबने अपने बचपन में देखा है, एंड विद द न्यू कास्ट एंड एवरीथिंग टुगेदर. मोनीश सर हैं, गुरदीप जी हैं, शांतिनी, रोहित सर इज फन, मेरे ऑपोजिट नमित हैं, आई थिंक द कास्ट इज स्टेलर, अमेजिंग, रश्मि है, सो इट्स एन अमेजिंग कास्ट. आप जब सेट आएंगे ना तो आप मुझे बताइएगा कैसा है. बहुत बड़ा सेट है, बहुत खूबसूरत सेट है, और वो सच्ची में हॉस्पिटल लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं रोज़ हॉस्पिटल जा रही हूँ. बट ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल सेट और बहुत अच्छा माहौल है. नाउ लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द फिल्म. सर मेरे गुरु हैं और मेरी इंस्पिरेशन है. जब मैं मुंबई आया और मैंने काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने सर के साथ काम स्टार्ट किया, और वहाँ से मैं असिस्टेंट से चीफ एडी से एसोसिएट से सेकेंडरी डायरेक्टर, देन डायरेक्टर, एंड देन अपना इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट किया. करियर ये स्पीलबर्ग है इंडिया के. खुशी इस बात की है कि ललित ने आई थिंक 15 साल पहले जब असिस्ट करना शुरू करा था, जैसी कोई नहीं है, वहाँ से ललित ने जो मेहनत करी है, जैसे कहा एसोसिएट बने, फिर डायरेक्टर बने, विदाई में उन्होंने डायरेक्ट किया, और एक थी मेरे जितने भी असिस्टेंट्स हैं मुझे शुरू से पता था ललित वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है, उसने बहुत नाम कमाया है, बहुत अच्छे शोज़ करें, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. और आई थिंक डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की सारी टीम आई हुई आज सब है, बिकॉज पूरा डायरेक्शन, वेरी प्राउड ऑफ इट, बहुत नाम कमाया है, और हमारी सारी टीम में ये पहला बंदा है जिसने फिल्म डायरेक्ट करी है. सो विशिंग हिम, करण, एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस. अच्छा, DKP से पहले मैं कुछ एक बात बताना चाहूँगा डाले. ओके, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म, एंड विशिंग द इंटायर टीम द वेरी बेस्ट. जैसे रिश्ता कहलाते इतने सालों से चल रहा है और बहुत पॉपुलर है, वैसे ये फिल्म चले, एंड विश हिम ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर, फिंगर क्रॉस. मैं एक बात बताना चाहता था, आज यहाँ पे जो सबसे बड़ी टीम है वो DKP की टीम है, मेरे जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं और जितने भी कलीग्स हैं, और वो टीम DKP से नहीं है, वो टीम जब राजन जी सर डायरेक्ट करते थे तब से उनके साथ में है, और हम सबको लेके आगे बढ़े, फिर उन्होंने DKP बनाया, हम सबको आगे बढ़ाया, एंड टुडे एवरीबॉडी इज टुगेदर अंडर वन रूफ. कांग्रेट्स.